अब अपन डाउट इसमें सर, पहले मैं C2 C3 बताता हूँ, एक्सरसाइज वन के पार्ट वन का C2 C3 सेक्शन सी बताना है मुझे, ठीक है? तो एक तो गिवन है अपन को, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेटाइन। हाँ तो ठीक है ना, अपन बता सकते हैं ना सल्फेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना, भाई एक बार ऐसे बना दो, एक बार ऐसे बना दो, इसको डिलोकलाइज करो तो एक बार ऐसे बना दो, इधर से मैंने ये डिलोकलाइज किया, अब इससे अपन क्या करते हैं इधर भी एक डिलोकलाइजेशन कर देते हैं। तो आप ध्यान देना है, ये नेगेटिव चार्ज को 1 ले लेता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज को मैं 2 ले लेता हूँ। जब अपन से नंबर पूछेंगे तो अपन कैसे बताएंगे, तो ये 1 वाले से बनाए अपन ने, है अपन ने 1 वाले को, ये अपना 2 वाला नेगेटिव चार्ज था, ये 1 वाले नेगेटिव चार्ज से मैंने इधर डिलोकलाइज कर लिया, वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज से अटैच है उसमें अपन राइट ना, ठीक है ना। हाँ रिकॉर्डिंग का परमिशन दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा विनीत को भी देखता हूँ वो ठीक रहेगा, लास्ट टाइम तो दोनों ने ही वो नहीं किया था, एक लेक्चर अपना ऐसा हो गया शायद कि किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया उसको, विनीत को भी देता हूँ रिकॉर्डिंग, ताकि अगर एक किसी से खराब होगा तो दूसरा रहेगा अपने पास, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये वाला जो था ना अपन ने, ये 1 वाला, अब 1 वाला यहाँ आ गया, अब अपन 1 वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज तो अभी 2 वाले लिखा हुआ है अपन, तो अपन 1 वाले को क्या करेंगे इधर शिफ्ट करके इधर ले आते हैं 1 वाला, तो अपन क्या करेंगे इधर डबल बॉन्ड, इधर एक नेगेटिव चार्ज और इधर एक डबल बॉन्ड, ऐसा हो गया, ये भी 1 वाला है। अब तुमने एक बात देखा, 1 वाले को मैं 3 जगह डिलोकलाइज कर लिया तो 3 स्ट्रक्चर बन गए, अभी अपन ने 2 वाले की बात ही नहीं की डिलोकलाइज करने के लिए, 1 वाले से डिलोकलाइज करके मैंने 3 बना लिए, अब 2 वाले को डिलोकलाइज करके तो उससे भी 3 बनेंगे, कितने हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने ये 1 से डिलोकलाइज करके अपन ने 3 बनाए, अब इससे भी बना देता हूँ मैं, अब 2 को डिलोकलाइज करता है, सो 2 को डिलोकलाइज करूंगा तो इधर ये जो बने हुए हैं इनको डिलोकलाइज करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करूंगा, 1 को अपन वैसे कर लेते हैं, तो इधर डबल बॉन्ड बनाता हूँ, इधर नेगेटिव चार्ज लिख लेता हूँ, ठीक है ना, उधर नेगेटिव चार्ज लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, अब ये 2 वाला है, ये तो 1 वाला मैंने फिक्स कर रखा है, अभी मैं क्या करूंगा इधर डबल बॉन्ड है, अब इधर वाले को बना लेता हूँ इधर पे 2 पे, तो अपन क्या करें ये लो भाई, अपन इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं, इधर एक नेगेटिव चार्ज लिखते हैं और इधर एक नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, ये 2 वाला है ये 1 वाला है नेगेटिव चार्ज। और फिर क्या करें, अपन कहेंगे अभी आपने जो 2 वाला एक इधर जो बना रखा है ना आपने 2 वाला, एक बार अपन ने 2 वाले को यहाँ लेके आए, एक बार यहाँ लेके आए, एक बार यहाँ लेके आए, अभी आप यहाँ नहीं लेके आए तो वहां कैसे लेके आऊंगा, ये है ना स्ट्रक्चर, इसको डिलोकलाइज करके इधर लाओ ना तो वो भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये लो 2 वाले का डिलोकलाइजेशन, ये लो मतलब तीनों पे आएगा ना, 1 2 3, 2 भी जैसे 1 को आपने तीनों पे लेके आए ना, एक इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, 2 को वैसे रखा, वैसे 2 को लेके आओ, 2 जो था ना आप 1 को वैसे रख लो, इसको ऐसे रख लो और बाकी तीनों पे एक एक बार लेके आओगे तो हो गया अपने पास, ये लो छह आ गए अपने पास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये हो गया इससे बनाया सभी पे डिलोकलाइज हो जाएगा, ये लो। तो सभी पे डिलोकलाइज करेंगे तो अपन को पता है जितने नेगेटिव चार्ज उतनी जगह डिलोकलाइजेशन हो गया अपना नेगेटिव नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। सर एक मिनट है, आपने कहा था 4 बनेंगे, ये लो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए, मैंने आपसे कहा था बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए मैं काफी सारे टाइप्स बता सकता हूँ, क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, नंबर ऑफ प्लेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, हाँ तो कितने जगह है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 6 था, 6/4, क्योंकि मैं इनको 4 ही जगह डिलोकलाइज कर सकता हूँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बताओ
ये बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन था, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकेशन, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बोलो सी टू की बात करते हैं। किसी ने अपन से पूछा भाई N2O5 बोथ नाइट्रोजन आर कनेक्टेड विथ ईच विथ ऑक्सीजन बॉन्ड। हाँ तो बताया तो था, लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, N2O5 में क्या होता है, N2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है। अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ईच सेंट्रल एटम के बीच में एक ऑक्सीजन होगा, बताया मैंने। फिर मतलब डीलोकलाइजेशन चार है और स्ट्रक्चर छह है, बिल्कुल डीलोकलाइजेशन चार ही प्लेस पे होगा, 1 2 3 4 बस स्ट्रक्चर छह है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा ही होंगे हमेशा प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, या तो इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए अपन ने वैसे लिखा था। अब अपन ने कहा कि भाई C2 की बात कर रहे थे आप, ठीक है तो C2 की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। C2 की बात करेंगे अपन तो विल राइट लाइक दिस। अब C2 में हाउ मेनी टाइप ऑफ NO बॉन्ड लेंथ्स आर प्रेजेंट इन HNO3 एंड NO3 नेगेटिव, बताया था पहले। मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बना दिया स्ट्रक्चर, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो। अब अपन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मल चार्जेस, ये फॉर्मल चार्जेस, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जो डीलोकलाइजेशन होगा ना वो इस डबल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इधर है, इधर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब यहां कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। आपने ये जब कैलकुलेट करवाया मुझे तो अपन ने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम वेयर डीलोकलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब इसमें अगर डीलोकलाइजेशन होगा तो इस पार्ट में हो, तो इनको तो मैं पार्शियल डबल बॉन्ड कंसिडर करूंगा, जहां डीलोकलाइजेशन होता है वहां पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, तो यहां तो ऐसे को कंसिडर करूंगा मैं, एन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, कभी डबल बॉन्ड इधर है कभी डबल बॉन्ड इधर है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, वो नेगेटिव चार्ज डिवाइड कर दो दोनों में ये वाला, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये डबल बॉन्ड कभी यहां डीलोकलाइज नहीं हो सकता, तो अपन कहेंगे ठीक है वो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो दो टाइप के बॉन्ड हो गए, एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और इधर ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसको दो टाइप के बॉन्ड्स बता दूं, ठीक है भाई दो टाइप के बॉन्ड बना दिए। अब अगर मान लो मेरे पास नाइट्रेट आयन है, तो अपन को स्ट्रक्चर बनाना तो आता है नाइट्रेट आयन का, तो नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बना देते हैं भाई, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऑक्सीजन, अपन को पता है सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, लो बना दिया। अब क्या करेंगे अपन, तो जैसे आप बोलते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब आप डीलोकलाइजेशन चेक करोगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस में कन्वर्ट करो, लो कर दिया फॉर्मल चार्जेस को, इस पे नेगेटिव एरो की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे ये भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ये भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर होता है भाई, कार्बोनेट आयन में भी तो ये लिखते हैं डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन नेगेटिव, आपने इसकी जगह क्या लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया। तो जैसे आपने कहा था कि कार्बोनेट में सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इक्वल होते हैं, यहां भी यही हो जाएगा, बस यहां पर क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसका भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इसका भी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बताना है तो इसको 1 लिख लेना, इसको 2 लिख लेना, पहले 1 का डीलोकलाइजेशन कर देना फिर 2 का डीलोकलाइजेशन कर ले, अपन को स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। अभी हमें क्या बताना था कि इसमें कितने टाइप के बॉन्ड लेंथ है, तो भाई इसमें तो एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे बनाने वाला हूं, ये तो इधर से भी डीलोकलाइज हो सकता है, इधर से भी डीलोकलाइज हो सकता है, सारे के सारे पार्शियल बॉन्ड है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा, डेल्टा नेगेटिव का मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए अपन डेल्टा नेगेटिव लिख रहे हैं, और चाहे अपन तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लिख सकता हूं, -2 है टोटल चार्ज 3 ऑक्सीजन एटम पे, तो एक ऑक्सीजन एटम पे कितना आएगा -2/3, तो 3 ऑक्सीजन पे अपन -2/3 लिख सकते हैं, वो 1 से कम होगा क्योंकि अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसमें एक ही टाइप का बॉन्ड लेंथ है, इसमें दो टाइप के बॉन्ड लेंथ है। अब C3 की बात करते हैं, C3 में आपने लिखा हुआ है मुझे मैं इसको हटाता हूं, C3 में आपने मुझे लिखा हुआ है दैट इज
CO bond length in formic acid is this. Where is the CO bond length in sodium formate is this. ठीक है अबे आपने कहा कि भाई फॉर्मिक एसिड क्या होता है, चलो बुक में ढूंढो भाई, या फिर आप काफी नेट यूज करते हो, ढूंढो क्या होता है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड होता है। और सोडियम फॉर्मेट क्या होता है, तो एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करूंगा ना तो सॉल्ट बनेगा मेरे पास, ये सोडियम फॉर्मेट होता है। ये आयनिक बॉन्ड है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड जैसे होगा बस। तो अपन क्या करेंगे इसमें ना, यहां पर मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड अटैच्ड हो और जो डबल बॉन्ड वाले एटम है उनसे कोई एक ऐसा एटम अटैच्ड हो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। इधर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, मतलब ये दोनों अलग अलग बॉन्ड होंगे। और अपन सबको पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, सो डबल बॉन्ड इज लेसर देन सिंगल बॉन्ड। लो भाई तो अपन को पता चल गया कि टू बॉन्ड लेंथ का ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ टू बड़ा होगा वन से, लेकिन इधर क्या नेगेटिव चार्ज है और ये आयनिक कंपाउंड हो गया, तो इसमें कभी नेगेटिव चार्ज इस पे होगा कभी इस पे होगा, तो सोडियम जो होगा ना वो अपन यहां पर लिख सकते हैं, आप जहां मर्जी चाहे लिख लेना, इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर है, इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर कंसिडर कर लेंगे। तो इधर तो डिलोकलाइजेशन हो गया क्योंकि ये तो फॉर्मेट आइन जैसे हो गया कि भाई अपन ने यहां पर कार्बन लिखा, यहां पर आपने हाइड्रोजन लिख दिया, तो अपन क्या करेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है फिर भाई, यहां पर नहीं होगा डिलोकलाइजेशन, क्यों, क्योंकि यहां पर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड एटम पे नेगेटिव चार्ज है, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इधर डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, इधर और इधर हो सकता है, तो क्या कहेंगे भाई, इधर तो कभी नेगेटिव चार्जेस पे कभी नेगेटिव चार्जेस पे, मतलब नेगेटिव चार्ज में ऐसे भी लिख सकता हूं और नेगेटिव चार्ज में वैसे भी लिख सकता हूं, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, तो दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई फिर इस मॉलिक्यूल में ना आप ऐसे लिख सकते हो इसका स्ट्रक्चर, आप क्या करोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख लोगे और इसको माइनस वन बाय टू, इसको माइनस वन बाय टू, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव चार्ज किस पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी तो एक जैसा होता है, अपन बता देंगे दिस इज द स्ट्रक्चर। हाँ अगर अपन से कोई ऐसे बोलता कि मैं मेरी मर्जी मैं तो यहां ना ऑक्सीजन नहीं लिखूंगा, मैं तो यहां पर ना ऐसे करूंगा, अब बताओ तुम क्या होगा स्ट्रक्चर, तो अपन से कहा गया कि देखो भाई अब मैं इसको ना ऐसे लिखना चाहता हूं, तो अपन कहेंगे ठीक है दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और एक एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो अपन क्या करेंगे इधर डिलोकलाइज करके इधर बनाऊंगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो अब नहीं लिख सकता मैं नेगेटिव चार्ज को हाफ एंड हाफ, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपन उसको लिखेंगे, गॉट इट ना, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जो अपन ने यहां पर लिखा हुआ था ऐसे अपन ने, अब अपन पहले अपन इसी स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं, डबल बॉन्ड है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो अपन क्या करेंगे ये वाला डिलोकलाइजेशन सिर्फ इस पोजिशन में होगा, इस पोजिशन में कभी नहीं हो सकता, तो अपन कहेंगे कभी डबल बॉन्ड इधर कभी डबल बॉन्ड इधर, तो ऑब्वियसली बात है जो रेजोनेंस हाइब्रिड अपन बनाएंगे वो रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, तो अपन को पता है फिर तो उस केस में कि भाई इसमें क्या होने वाला है, फिर तो अपन बताएंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो कैलकुलेट करोगे आप वो ऐसे बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज उधर भी ऑक्सीजन पे होगा इधर भी ऑक्सीजन पे होगा, दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी है तो इधर या इधर, मतलब डबल बॉन्ड कभी इधर होगा कभी उधर होगा, मतलब एक जैसा हो गया, तो यहां पर अपन क्या करेंगे अपन कहेंगे ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ एक जैसा होगा, फिर तो दोनों का बॉन्ड लेंथ एक जैसा होगा और अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताओ आप ये फॉर्मेट वाला पार्ट था, तो अपन को यहां तो नहीं हो रहा था क्योंकि यहां तो आपका दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड और अपने पास कोई ऐसा एटम नहीं था जिसपे नेगेटिव चार्ज ना, ठीक है, तो और सोडियम कोई ऐसे नहीं है कि सोडियम के आप सोडियम को इधर उधर कैसे चेंज कर रहे हो, सोडियम तो चेंज कर सकता है वो बॉन्ड ही नहीं बनाया था उसके बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी था, यहाँ कौन कोई बॉन्ड थोड़ी बना रखा है आपने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके, इधर तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना हुआ है तो यहां नहीं बन सकता, इधर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं है इधर है, तो ऐसे नहीं अज्यूम करना कि अच्छा हाइड्रोजन को भी यहां रख लेता हूं दोनों में से कहीं भी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा, वो तो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना रखा है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है ना,
ऐसे नहीं करेंगे अपन कि चलो नहीं मेरी मर्जी मैं तो ऐसे करूंगा, तो भाई तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगा कुछ, उनको चेक करना होगा कि भाई उसमें पॉसिबल है या नहीं है। तो वो तो सॉल्ट जैसे था। अब अपन कहेंगे भाई कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ SO3 एंड HSO3, ठीक है ये तो आपने बता रखा है SO3 टू नेगेटिव और HSO3 नेगेटिव। तो अपन कहेंगे भाई HSO3 नेगेटिव और SO3 टू नेगेटिव, मैंने लास्ट टाइम बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आपको बताया हुआ, कैसे कैलकुलेट करते हो, बॉन्ड डॉटर कैलकुलेट कर लो, इधर डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड डॉटर कैलकुलेट करेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, चार बॉन्ड है और तीन जगह डिलोकलाइजेशन, ये हो गया। इसमें द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इधर डिलोकलाइजेशन सिर्फ कहां होगा, इधर ही हो सकता है डिलोकलाइजेशन, बस इधर नहीं हो सकता क्योंकि उधर डबल बॉन्ड और एटम के साथ नेगेटिव चार्ज नहीं है ना वहां पर। तो अपन क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा अपने पास 3/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, दैट इज ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ आपको कंपेयर कर सकते हैं उसका। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन था, C4 हो गया, A2 A3 भी है, पार्ट वन का A2 A3 में क्या है भाई, A2 मुझे बताना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, ठीक है करो। कार्बन टाइप में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, जितने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर 1 2 3 4 हो गए, कार्बन टाइन में 4 हो गया, फिर क्या, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक सीएल को दे दो इसमें भी 4 हो गए, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना, बताया तो कैसे कैलकुलेट करना है। A3 में क्या गिवन है अपन को, A3 वाला अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया ना क्लास में कि भाई A3 में रॉन्ग स्ट्रक्चर बताना है, तो अपन कहेंगे भाई देखो इसमें इंडिकेट द रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लुईस स्ट्रक्चर, हाँ तो किसी का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते वरना गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो उस टाइप से बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अपन को गिवन है मान लो SCN, तो अपन को ये S ऐसे स्ट्रक्चर गिवन है अपन को, C और डबल बॉन्ड M, और इस पे आपने 1 2 3 और इधर ऐसे नेगेटिव चार्ज लिखा आपने, ठीक है ना। अब पहली बात क्या होगी ना अपने लिए कि भाई कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है कहां कार्बन का, वो बताओ आप मुझे, है ना, भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना कार्बन का, 4 ही तो हुए इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक गलती। सल्फर के लिए अपन कहेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपने दिखा रखे हैं वो 2 4 और 5, इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां है, तो अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रखा आपने, वो भी गलती। फिर ये नेगेटिव चार्ज किस पे लिखा आपने, नाइट्रोजन पे, अगर नाइट्रोजन पे लिखोगे तो मेरे ख्याल से सल्फर पे लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि लुईस स्ट्रक्चर में आपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रखा, वो गलत, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपने कहा ऑक्सीजन और सीएल और सीएल, अब देखो सीएल के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे क्या होता है, अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, ये ऑक्सीजन के होते हैं, एक और सीएल हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अब क्या बना रखा है अपन को, उसमें दे रखा है कि इस पे ना एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लो, इसको दे दो, दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लो और इसको दे दो, दे दिया, तो इसपे कितने -2 चार्ज आ गया, अपन कहेंगे ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्लोरीन और उसमें ये 3.5 है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3 होता है और ये 3.5 है, 0.5 में कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप कहोगे कि ये आयंस के फॉर्म में, ये इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे दे, जैसे HCl में बॉन्ड होता है भाई, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, इनका आयनिक बॉन्ड नहीं बनता और आपने आयनिक बॉन्ड बना रखा है, ऐसे बता के ऐसे थोड़ी बनता, ऐसे बॉन्ड तो तब पॉसिबल है जब ऐसे हो, आप MgCl2 लिखो और उसमें भी क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया,
प्लस वन, और एक और क्लोरीन लिखोगे तो एक और मैग्नीशियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको प्लस टू। अब आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ये चल जाएगा। लेकिन सिर्फ नॉन मेटल्स में ये तो गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। फिर C4 के बाद, C4 के बाद C3 C4 है सर। हाँ पिछले वाले में ना वो S C और N वाले कंपाउंड, उसमें जो आपने बनाया वो करेक्ट है ना सर? जो ये वाला बनाया अलग से, ये वाला नेगेटिव साइन आएगा ना उसमें? हाँ नेगेटिव साइन आएगा, बट द स्ट्रक्चर इज दिस, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 ही तो हुए। तो क्या करें? अगर कहेंगे एक इस पे ना नेगेटिव चार्ज देख लो, तो ये 8 हो गए। कार्बन के तीन चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर इससे शेयर किया, ये 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है इसका स्ट्रक्चर। कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके सर, समझा, है ना? करेक्ट स्ट्रक्चर इसका ये होगा। तो अब जैसे इसका भी करेक्ट स्ट्रक्चर लिखा ना बनने, तो अपने ये लिखा इसका ये है करेक्ट स्ट्रक्चर, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। आप ऐसे बनाओ, अपन को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही था ये। लेकिन अब बोलो कि भाई नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड दिखाएंगे, वो तो गलत, राइट ना? और ऐसा नहीं होता कि हर बार नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे ही आएगा, ऐसा नहीं होता। वो तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखते हैं। How can you say that कि मेरे पास BF4 नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज बोरोन पे लिखूंगा? भाई फ्लोरीन का हक बनता है नेगेटिव चार्ज पे या बोरोन का? फ्लोरीन का। तो नेगेटिव चार्ज तो उस पे आएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। तो ऐसे नहीं होता कि हर बार, वो तो अपन हाइब्रिडाइजेशन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी इजी। भाई आप कहते हो बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, चलो एक ऐड कर देते हैं, 4 फ्लोरीन दे दो, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। बट एक्चुअल में जो बॉन्ड बना ना वो ऐसे था, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो तो ऐसे होगा कि अपन कहेंगे बोरोन है, इससे एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, ये 3 फ्लोरीन अटैच्ड, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल में एक ने, एक एफ नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वार्टेट बॉन्ड से डोनेट किया। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये बोरॉन अब चारों को अकोमोडेट करेगा, और चारों को अकोमोडेट करेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा अच्छा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं फॉर्मल चार्जेस में लिख सकता हूं। तो फॉर्मल चार्जेस में लिखने के लिए अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसका नेगेटिव चार्ज खत्म, इसको दिए तो नेगेटिव चार्ज बन गया, लेकिन वो तब बनेगा जब फॉर्मल चार्जेस। इसलिए मेरा ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे ना, तो टेल पे पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी लिखेंगे फ्लोरीन पे, हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन बोरोन को तो एक इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तब वो तब नेगेटिव चार्ज लिख रहे हो बोरोन पे जब आप फॉर्मल चार्जेस में लिख रहे हो, वरना तो एम्प्टी ऑर्बिटल में एफ नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अपन बोल सकते हैं BF4 में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक और कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डॉट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? और वो फोर्थ ऑर्बिटल जब वो इलेक्ट्रॉन देगा, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन, वरना sp3 कैसे बोलूंगा BF4 को? BF4 इज sp3 हाइब्रिडाइज ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ना, पढ़ा ना अपन ने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बस उसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? हर बार नेगेटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम पे तभी लिख सकते हो जब आप फॉर्मल चार्जेस लिख रहे हो, और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से।
दूसरा क्वेश्चन अपने पास था, दैट इज अब क्या था अपने पास, ठीक है अब आगे बताओ क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग, डी डी में कुछ भी नहीं है, डी में कोई डाउट है नहीं, तो पार्ट टू के डाउट बताओ, पार्ट टू में कोई डाउट है, डी टू का फर्स्ट, चलो भाई पार्ट टू में डी टू का फर्स्ट देखते हैं, डी टू का फर्स्ट वाला था अपने पास, दैट इज पी ए पी वाई, पी वाई विल फॉर्म पाई टू पी वाई, हाँ तो ठीक है ना, ये भी पी वाई है और ये भी पी वाई है, कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो नहीं बोला अपन को, जेड एक्सिस फर्स्ट वाला नहीं एल वाला, D2 का फर्स्ट L वाला, अरे पार्ट टू में पूछा पार्ट वन में पूछा, पार्ट वन मैं चिल्ला रहा था ना पहले कि पार्ट बताओ बताओ तो तुम लोग चुप थे, और जब मैंने कहा D2 के बताओ उसमें पार्ट टू में बताओ तो आपने लिख दिया, तो मुझे लगा पार्ट टू के लिए पूछ रहे हो, है ना, तो जो भी डाउट है अपने सारे सेक्शन के एक ही बार में लिखो ना एक्सरसाइज वन के, मेरा ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, अब एल वाले में बताना है अपन को, तो पी एक्स है और इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है ये पी एक्स और ये जेड एक्स है, और मुझे क्या बताना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लो भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है और इसका जेड ऐसे होगा, इसका भी जेड में ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि फिर अपन को दोनों ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ए प्लस हो गया ए माइनस हो गया, अब दोनों में जो चेक करूंगा ना मैं वो ऐसे हो जाएगा सर, एक्सिस में आएगा ना सर, एक मिनट रुक जाओ, मार्कर का टैप आ गया, वो मार्कर का टैप पता नहीं क्या आ गया, चलो देखते हैं, हाँ बिल्कुल ये बना लिया सर, ये एक्सिस को बना दिया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये इसको प्लस बना लेते हैं इसको माइनस बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे, मैं सोच रहा था मार करना क्या वो लगा के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, पता इसको पर ऐसे करते हैं, ये इसका वाई एक्सिस है ये इसका एक्स एक्सिस है, तो इसका जेड एक्सिस ऐसे है और इसका भी जेड एक्सिस ऐसे है, अगर इसके जेड एक्सिस को इधर लाते हैं और फिर ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना, मतलब इसको उठा के आप ऐसे ओवरलैप कर रहे हो ऐसे, और मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, अच्छा ये एक्स एक्सिस है चलो इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है वरना तुमको लगेगा ये एक्सिस और वाई पे क्यों ओवरलैप कर रहे हो, अपन को फर्क नहीं पड़ेगा अपन ऐसे लिख लेते हैं, अब इसको अगर इस पर ओवरलैप करूंगा ना तो ओवरलैपिंग होगा ना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अपन को, इसमें ऊपर प्लस है नीचे नेगेटिव है, इसमें दोनों जगह प्लस है, तो जब अपन इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे ना तो ऊपर प्लस प्लस तो ठीक है, लेकिन जब ये माइनस प्लस ओवरलैप करेगा तो माइनस प्लस ओवरलैप माइनस होगा, मतलब नेगेटिव ओवरलैप है, क्या आ जाएगा अपने पास, नेगेटिव ओवरलैपिंग, और अगर वो नेगेटिव ओवरलैपिंग आया ना तो वो ओवरलैपिंग तो मानेंगे बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब इट इज कॉल्ड नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो वहां बॉन्ड नहीं बनेगा, और वैसे भी अपन को पता था अगर अपन को बताना है कि भाई इसमें बॉन्ड बनाना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे इसको इधर से ऐसे ओवरलैप करोगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पी और डी से, जब डी ऐसे ओवरलैप करे, तो ये बनता है सिग्मा बॉन्ड पी और डी से, पाई बॉन्ड कब बनता है पी और डी से, तो अपन को पता है जब पी और डी ऐसे ओवरलैप करते हैं तब पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, तो क्लास में एक्सप्लेन किया मैंने, इससे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम दैट, देयर इज ओवरलैपिंग बट देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपने पास है पार्ट टू से, अब पार्ट टू से सी टू, पार्ट टू का है ना, तो पार्ट टू का सी टू, सी टू अपन को गिवन है
अच्छा फॉर्मिक एसिड वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी तो बताया ये, अब फिर से पूछोगे फॉर्मेट है, अभी सोडियम वाला जो सोडियम फॉर्मेट बनाया था अपन ने, ये है तो इधर ऑक्सीजन आ गया अपने पास, तो बताया तो अभी सल्फर लिख लो, ये लो इसकी जगह अगर सल्फर होता तो थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको HSO3, बस उन्होंने सल्फर की जगह क्या किया कार्बन लिख दिया, तो लिखो भाई इधर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन का कॉन्जुगेशन है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज नहीं है, भाई आप कॉन्जुगेशन क्या बताते हो, ये बताते हो आप ऐसे होना चाहिए दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड, उससे जो एटम अटैच है वो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो इधर तो हो सकता है डिलोकलाइजेशन, इधर नहीं हो सकता, इधर जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक जैसे एटम पे आ रहा है, तो ठीक है भाई मैं ऐसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख लेता हूं। आप ऐसे क्यों बना रहे हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, सीधा क्यों नहीं बना रहे ऐसे, बिकॉज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का मतलब है ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इधर तो एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ आ गए, ये दोनों तो एक ही जैसे होंगे, लेकिन ये वाला कौन सा होगा, ये डिफरेंट होगा, तो अपन को क्या गिवन है, वहां कुछ xyz गिवन है, तो अपन कहेंगे ये अपन को y गिवन है, ये अपन को z गिवन है, और ये अपन को x गिवन है, तो अपन कहेंगे ये है, तो अगर बॉन्ड लेंथ बताना है तो अपन कहेंगे ये दोनों तो बराबर होंगे y = z, लेकिन x वाला तो सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड जैसे है, थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सिंगल बॉन्ड जो होगा वो बड़ा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड से, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड जो होगा x जो होगा वो बड़ा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड से, वो दोनों इक्वल है, दैट इज पार्ट टू का C2 एंड C4। C2 मैंने बता दिया, C4 में बताता हूं, वीकेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो भाई, बॉन्ड लेंथ और वीकेस्ट बॉन्ड कैसे बताते हैं, अपन कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिख ही नहीं रहा, एस्टेटाइन है तो अपन कहते हैं ठीक है भाई, इसमें तो अपने पास ऐसे गिवन है मॉलिक्यूल CH3CO O-, ये इसका हो जाएगा एस्टेटाइन का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर आपने बताया ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके बाद आपने कार्बेटाइन, कार्बेटाइन भी बताया आपने ऐसे होता है, सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेता हूं, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ही काउंट करना पड़ेगा, यहां तो कॉन्जुगेशन है तो इस पार्ट में ही तो कॉन्जुगेशन है तो इस पार्ट से ले लो आप, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया मेरे पास, टोटल बॉन्ड कितने हो गए जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है 3, और दो प्लेस पर डिलोकलाइजेशन है, ये बॉन्ड ऑर्डर है 3, और ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या अपने पास, ये हो जाएगा 4 बॉन्ड है और 3 जगह डिलोकलाइजेशन, ये लो भाई चलो लिख देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होगा तो सबसे छोटा बॉन्ड होगा। पार्ट टू का A2 भी पूछ रहा है किसी ने, तो अपन A2 भी बता देते हैं पार्ट टू का, ठीक है भाई। इसमें क्या लिखा है अपन से, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोथायो, मतलब कार्बेटाइन में जो कार्बेटाइन होता है ना अपने पास से CO3 2-, मोनोथायो का मतलब हो गया कि एक ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दो, ये लो कर दिया, ये हो जाएगा, तो ठीक है अपन कहेंगे कार्बन सेंट्रल एटम है, इसको अपन सल्फर बना देते हैं, किसी को भी बना सकते हैं अपन सल्फर, मोनो थायो, थायो मतलब सल्फर होता है, मोनो थायो कार्बेटाइन हो गया। अब देखते हैं कि इसमें बताना क्या है, स्ट्रक्चर बताना है इसका, तो बता दो कौन सा स्ट्रक्चर है भाई इसमें, तो डी वाला अपन को करेक्ट दिख रहा है, बाकी सब में पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि कार्बन का, कार्बन अपन ने जो लिखा हुआ है कार्बन तो सेंट्रल एटम था, मोनो थायो कार्बेटाइन, कार्बेटाइन मतलब कार्बन शुड बी द सेंट्रल एटम, तो सेंटर में कार्बन होना चाहिए इसलिए ए और बी गलत है, बी और सी में से डिसाइड करना चाहिए, तो सी और डी में से डिसाइड करना चाहिए, सी पॉसिबल ही नहीं क्योंकि कार्बन 6 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 4 तो ऑर्बिटल होते हैं उनका, 1s और 3p हो गया A2 वाला पार्ट। अब क्या पूछा है किसी ने पार्ट टू का A2, हाँ तो बता दिया ना A2 बने, अब क्या पूछा है पार्ट टू का, पार्ट वन का D2, पार्ट वन का D2 में क्या है, पार्ट वन का D2, ठीक है भाई, पार्ट वन के D2 से भी अभी बताया तो था आंसर, चलो उसने पूछा है पार्ट वन में ना D2 में आप ये बता दो, अब D2 में बताना है क्या क्या बताना है, उसने क्या पूछा, MNOK, ठीक है,
तो चलो भाई अपन देख लेते हैं। डी टू में आपने कहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस होगा, ठीक है भाई। देख डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ तो इससे बनेगा ना वन, दोनों का ऐसे स्ट्रक्चर है बनाओ, इधर भी ऐसे स्ट्रक्चर है, इधर प्लस ले ले, इधर माइनस ले लेते हैं, इधर प्लस ले लो, इधर माइनस ले लो। अब क्या करें, दोनों का जो z होगा, इसका z ऐसे, इसका z ऐसे, मतलब दोनों का z एक्सिस, क्योंकि ये y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, तो z परपेंडिकुलर, इसको उठा के इस पे रखोगे तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा ना, बताया था ना डेल्टा बॉन्ड, तो m में तो डेल्टा बॉन्ड है। अब o की बात कर लेते हैं, o में dxy एंड dyz, ठीक है, dxy इज दिस, ये x हो गया, इसको y कर लेते हैं, ठीक है, dxy के लिए मुझे बिटवीन द एक्सिस बनाना पड़ेगा, ये बिटवीन द एक्सिस, और इधर z एक्सिस ऐसे होगा, और एक क्या हो गया अपने पास, ये हो गया, ये dxy एंड yz है ना, तो एक अपन ले लेते हैं y और एक ले लेते हैं z, तो इस पे भी ऐसे हो जाएगा। अब इसका x एक्सिस ऐसे है, तो अपन क्या करें, एक तरीके से ऐसे हो गया कि मैं दोनों के z एक्सिस मुझे ओवरलैप करने हैं, इसका z ऐसे है और इसका z ऐसे है, तो इसके z को ना जैसे ये z इस तरफ कर देता हूं, है ना, इसका z ऐसे है, तो ये वाले z को मुझे इधर लाना पड़ेगा, अब ओवरलैप करना है, तो इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन, और इसका प्लेन कैसे हो जाएगा, ऐसे लेके आओगे तो इसका बोर्ड से परपेंडिकुलर प्लेन, ऐसे लिखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बोर्ड का प्लेन, ये पूरा ऐसे ना वाई, ये जेड एक्सिस है, तो ये ऐसे प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है, लेकिन ऐसे प्लेन में है अपन को जेड एक्सिस से लेके आना, तो इधर जेड एक्सिस ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसका जेड एक्सिस ऐसे है ना, तो इसका जेड एक्सिस और इसका जेड एक्सिस अपन को ओवरलैप करना है, तो ऐसे ओवरलैप करना पड़ेगा, तो जहां इसका प्लेन है ऐसे और इसका प्लेन होगा ऐसे, जब ओवरलैप हो रहा होगा जेड एक्सिस से, बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां तो ओवरलैप भी नहीं है, नो ओवरलैपिंग, सो दैट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग, तो ओ वाले में जीरो ओवरलैपिंग, इसमें बना डेल्टा बॉन्ड, इसमें बना जीरो, एन वाला कहां पर है, एम एन, ठीक है, तो dxy और dxy, अब ये भी dxy है, ये भी dxy, ये इसका z एक्सिस है, ये भी इसका z एक्सिस है, इसमें ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इसको अगर इस पे ओवरलैप करूंगा तो क्या बनेगा, चारों ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे ना, डेल्टा बॉन्ड। अब क्या करना है अपन को, k वाला, k में px और dz स्क्वायर, ठीक है, पहले मैं px बना लेता हूं, ये लो भाई px है, ये इसका z एक्सिस है, ठीक है, ये इसका z एक्सिस है और ये px है, इसको प्लस बना लेता हूं, इसको माइनस बना लेता हूं, और इसका z z, तो ठीक है ना, इसका z x z ऐसे बना लेते हैं अपन, ये z x है इसका, dz स्क्वायर बना रहा हूं, ये dz स्क्वायर होगा और इधर एक सर्कुलर ऐसे रिंग होती है, तो इसका ये z एक्सिस और इसका z एक्सिस दोनों का ओवरलैप करोगे तो क्या बनेगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, वो तो न्यूक्लियस है, जीरो ओवरलैप, ये लो भाई अपना आंसर, एक्सरसाइज टू के पार्ट टू का ए टू, ए टू अभी तो बताया, अच्छा एक्सरसाइज टू के पार्ट टू का, पार्ट थ्री का वन का डी, रुक जा एक मिनट अपन, मतलब मैं पार्ट थ्री पूछता हूँ, एक मिनट रुक जा, अपन पहले पूछ रहे हैं सबसे कि भाई पार्ट टू में और किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पार्ट टू में किसी को कोई डाउट और है क्या, नहीं, कंसेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताना है, और आपको लिखा हुआ है दैट इज पार्ट थ्री में पूछा है किसी ने, पार्ट थ्री के वन का डी, वन ही है उसमें, तो डी क्या है, HNO3, हाँ तो सिग्मा बॉन्ड बताओ ना, ये लो, ये HNO3 का स्ट्रक्चर बताया ना, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड में, एक्सरसाइज टू का,
चलेगा। एक्सरसाइज टू के पार्ट थ्री, अच्छा एक्सरसाइज टू में भी पार्ट थ्री है, चलो चलते हैं अपन, क्या प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज टू के पार्ट थ्री का वन डी, पहले एक्सरसाइज टू के पार्ट वन का सिक्स क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब जो चलते चलते बता ही देता है ना जो भी है, यही है ना। हाँ एक्सरसाइज टू के पार्ट वन का सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में अपन को गिवन है, फॉर हाइड्राजोइक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लीस्ट स्टेबल। देख लेते हैं भाई लीस्ट स्टेबल कौन है। सबसे कम स्टेबल तो वही स्ट्रक्चर होगा जिसका जिसमें एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो इट विल बी लेस स्टेबल। तो अपन कहेंगे भाई लीस्ट स्टेबल बताना है, पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले आपने बताया डबल बॉन्ड एन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज, चलेगा अपडेट कंप्लीट है, ये तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। दूसरा अपन देखते हैं, अपन आपने बताया है इसमें एच एन, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये तो बकवास स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और वो भी दो नेगेटिव चार्ज इस पे, ये तो गलत स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसका पॉजिटिव चार्ज उस पे, ये तो इससे ज्यादा अनस्टेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो थर्ड वाला भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में एच और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ओके नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखा और नाइट्रोजन, इसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये करेक्ट है, इसमें भी सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये भी मैं करेक्ट बोल सकता हूँ, इसमें इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका भी कंप्लीट नहीं है, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो तो गलत स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर मुझे बनाना है तो इसका, ये तो गलत है, तो अपन रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बना देंगे। अब ये पूछा इसलिए बता रहा हूं कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, और यहां मैं डेल्टा नेगेटिव लिखूंगा, यहां मैं डेल्टा पॉजिटिव लिखूंगा, और यहां भी डेल्टा नेगेटिव लिखूंगा, दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल बी वाला था, मतलब सेकंड वाला। अब अपन को पूछा है पार्ट वन का एट क्वेश्चन भी पूछा है किसी ने, तो अपन एट क्वेश्चन भी बताएंगे पहले, पार्ट वन का नहीं एक्सरसाइज टू के, हाँ पार्ट वन का एट क्वेश्चन, तो मैं एट क्वेश्चन को भी बताऊंगा पहले, ठीक है ना। इसको अपन पहले पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद एट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में गिवन है मुझे फ्री रोटेशन ऑफ rotation of atoms about a sigma bond is allowed, but not in case of pi bond. Free rotation of sigma bond is allowed, but not in case of pi bond. नहीं, pi bond मतलब ये समझ में नहीं आया क्या बोला है ये? Which of the following statement is not correct for sigma and pi bond formed between the two carbon atoms? ठीक है भाई, ये carbon single bond है, ये carbon carbon double bond है, ये carbon carbon triple bond है, इन दोनों में तो नो फ्री रोटेशन, इसमें भी नो फ्री रोटेशन, ट्रिपल बॉन्ड इधर फ्री रोटेशन इज अलाउड, अलाउड। तो फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट अ सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, बट नॉट इन केस ऑफ अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अगर होगा तो नहीं होगा अलाउड, ठीक है, मुझे नॉट करेक्ट बताना है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम्स, बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन इन दिस रिगार्ड। पाई बॉन्ड में डायरेक्शन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड ओवरलैपिंग है, तो डायरेक्शन बताएगा वो अपन को कि किस डायरेक्शन में वो कैसे, मतलब ओवरलैपिंग से किस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये भी करेक्ट। बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ द ऑर्डर, तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन दिस ऑर्डर। सिग्मा इज 264 एंड पाई इज 347। जो चीज ए में है वही चीज डी में है,
ए में भी कंफ्यूज कर रहे हैं और डी में भी कंफ्यूज कर रहे हैं. क्या डी कंफ्यूज कर रहे हैं? फ्री रोटेशन इज सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, बिल्कुल सही है. पाई बॉन्ड में क्या बोलूं, डबल बॉन्ड होगा तो पहले सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड में ठीक है चलेगा. अब अपन ने लिखा हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कितनी गिवन है अपन को 264 और पाई बॉन्ड की एनर्जी गिवन है 347. अरे भाई सिग्मा बॉन्ड को 347 होना चाहिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ना. कोई भी सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोई भी पाई बॉन्ड से. हाँ, उस डी वाले ऑप्शन में अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो डबल बॉन्ड के लिए पूछ रहा है. अगर डबल बॉन्ड के लिए तो करेक्ट है ऑप्शन, व्हाट इज सो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का एनर्जी कम होगा डबल बॉन्ड से, लेकिन वो तो सिग्मा और पाई बॉन्ड है. बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये गलत हो जाएगा फिर तो. सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम्स, बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस रिगार्ड. ठीक है चलेगा, लेकिन डी वाला तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है. वो बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि अलग अलग ही बोल रहा होगा तो गलत होगा फिर तो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो ये तो डी वाला ही बता देंगे फिर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ये तो स्ट्रॉन्गर होता है, इसका बॉन्ड एनर्जी तो ज्यादा ही होना चाहिए इससे पाई बॉन्ड से, इसलिए वो गलत होता है. तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपन को क्या बोला है, 9 एंड 10 आल्सो. अच्छा ठीक है भाई, 9 10 में क्या बना है, कैल्शियम कार्बाइड, ये भी लास्ट टाइम बताया था, 10th वाला भी लास्ट टाइम बताया था. 9th वाले में कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम तो मेटल होता है और कार्बन नॉन मेटल होता है, तो C2 नेगेटिव हो गया तो ट्रिपल बॉन्ड बना, और बताओ 2 नेगेटिव इस पे 2 नेगेटिव इस पे, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है. अपने आप ही बता दो क्या करना है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ये तो आयनिक बॉन्ड है तो वहां कोई सिग्मा पाई नहीं होगा, यहां नेगेटिव चार्ज एक एक आ गया दोनों में, ये कैल्शियम था ना, तो कैल्शियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दैट इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन दैट, तो एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो पाई बॉन्ड हो गया, दैट इज द स्ट्रक्चर. द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाँ तो स्ट्रक्चर बनाओ ना उसका, मैंने बताया था तो लास्ट टाइम डाइसाइनाइड कैसे होता है, कार्बन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे भाई, इसमें कैलकुलेट कर लो अपने आप, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है. डाइसाइनाइड में This is called cyanogen gas. इसको अपन cyanogen gas कहते हैं. तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लो, आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना आता है. ठीक है, अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ऑब्वियस ही बात है, भाई Cl एटम लिखोगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो अनस्टेबल है, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो बॉन्डिंग करेगा, लेकिन अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा, फिर वो बॉन्डिंग नहीं करेगा. तो अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो आप उसको स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा बताना स्टेबल. ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको डाइसाइनोजन वो साइनोजन गैस का स्ट्रक्चर आना चाहिए, साइनाइड है ना सीएल, तो डाइसाइन मैंने तो क्लास में ऐसे ही बताया आपको, उसमें तो सीधा सीधा मॉलिक्यूल लिखा था, आपको लिखा लिख ही लेना था. That is what you have to work hard. तो आपको हार्ड वर्क वही तो करना है, ये थोड़ी होगा कि सारा आप ही बताते रहो सारी चीजें, तब हमें डाइसाइनोजन गैस नहीं आता. भाई सीएन होल ट्वाइस लिखा है तो बनाओ ना स्ट्रक्चर, एक सीएन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लो भाई ये बन गया. अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कार्बन का स्ट्रक्चर और बन जाए, नाइट्रोजन इससे ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, कार्बन से बना देते हैं, लो भाई अब इससे फिर नाइट्रोजन बना देते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर नाइट्रोजन के साथ बना देते हैं, 3 बॉन्ड बने, ये लो. तो बनाने की कोशिश करो, ऐसे थोड़ी होगा कि नहीं हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, पता नहीं होना चाहिए, बनाना सिखाया तो है आपको, और इस टाइप के स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन भी बताया आपको, चलो कैलकुलेट करो इसमें, है ना. फिर धीरे धीरे ऐसे होता ना कि काफी सारा पार्टनर इन्होंने एकदम से डाल दिया इसमें, ठीक है ना, वो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब उनको लगता है कि चलो शीट में तो डाल ही दो, बाद में बच्चा अपने आप कर लेगा, बट एकदम से अगर बहुत सारा पढ़ो, मैं कहूंगा ना कि चलो ये भी याद रख लो, ये भी याद रख लो, तुमको लगेगा सर याद ही करना है सब कुछ, तो फिर ठीक है भाई, फिर कोई डाउट नहीं है, तुम जो मतलब मैं बताऊंगा तुम याद रखो, तुम मैं बताऊंगा तुम याद रखो,
तो अपन थोड़ा सा ऐसे चलते ना कि कंसेप्चुअल कुछ पढ़ाते रहो, हमें कंसेप्ट का कुछ ऐसा वो लगे कि हाँ यार कंसेप्ट तो है इसमें, एकदम वैसा नहीं है कि बिल्कुल रटने वाली पार्ट है। अब अपन को पूछा था, चलो भाई दूसरा पार्ट टू का कुछ पूछा, पार्ट टू में कोई डाउट है? एक्सरसाइज टू के पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री, टेंथ इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री। तो टू एंड थ्री, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर टू। तो अपन सीएलओ टू बनाते हैं, ठीक है भाई, सीएल एक दो तीन चार पांच छ सात, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दिया, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। एक ऑप्शन और है, इसमें नेगेटिव चार्ज है क्या, क्योंकि ये तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसमें नेगेटिव चार्ज हो, कोई बात नहीं। तो अपन कहेंगे एक और ऑप्शन चल, तीन चार पांच छ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, अब कितने हो गए, वन टू थ्री फोर, एट इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया, टेन और वन इलेवन इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें तो इलेवन इलेक्ट्रॉन है, गलत। दूसरा चेक करता हूं, नाइट्रेट है, नाइट्रेट में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के। अब एक तो बना देता हूं ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक बना देता हूं मैं क्या, डबल बॉन्ड और एक क्वाड्रेट बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें तो एट इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है, तो टेन इलेक्ट्रॉन वाले बता दें, इसमें तो एट इलेक्ट्रॉन है, कहेंगे नहीं भाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, आपने कहा है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन जो होगा मतलब हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल देखने अपन को, PCl5 बनाते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो PCl5 अपना आंसर होगा। तो इस टाइप से कैलकुलेट करो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने 10th और 11th पूछा है, तो मैं 10th और 11th बता देता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग लोन पेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू फॉर द सेंट्रल एटम, ठीक है, तो टेंथ वाला जो आपने कहा है वो मैं बता देता हूं भाई, टेंथ वाले में ना आई थ्री नेगेटिव है, तो मैंने आपको क्लास में बताया अगर एक जैसे एटम होते हैं तो आप एक को सेंट्रल एटम ले लो और एक अपन नेगेटिव चार्ज ऐसे बना लेते, वो फॉर्मल चार्ज में लिख सकते हैं ना अपन पहले अगर ऐसे लिखेंगे, तो अपन क्या करेंगे इसमें दो आई बना देते हैं, एक आई ये होगा एक आई ये होगा, आठ पहले से थे ये बना दिया अपन ने, तो दस हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दस थोड़ी बना देते हैं, इसमें तो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गए, तो इसका लोन पेयर ग्रेटर देन और टू बताना ना अपन को, ये तो थ्री हो गया, ये अपना आंसर है, आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू टू बोला है, तो ये अपना आंसर होगा। अब कौन सा इलेवेंथ वाला भी पूछा आपने, तो नाइट्रोजन एन थ्री नेगेटिव है, तो ठीक है अभी अपन ने वो स्ट्रक्चर बताया तो थे जिसमें आपने कहा था हाइब्रिड बता दो, ये एजाडाइन है वो हाइड्रोजोइक एसिड था, ठीक है ना, अब ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अपन को सारे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर आज ही याद हो जाने चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है ना, पूरा केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर आज ही याद हो जाएंगे, तो धीरे 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 याद होते हैं अपन को। अब ये माइनस वन था तो अपन कहेंगे एक नाइट्रोजन हो गया जो मैं सेंट्रल एटम बनाऊंगा, और दो नाइट्रोजन और हैं तो मैं क्या करता हूं एक नाइट्रोजन के साथ इसमें ना ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूं, तो कम से कम इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अपन को पता है अगर ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं तो क्या हो जाता है। अब अपन क्या करें, अपन कहेंगे भाई एक नाइट्रोजन का इधर से एक बॉन्ड और बनाते हैं, चार पांच, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब क्या करें अपन, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन कहेंगे आप ऐसे मत बनाओ, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोजन को ना जो दूसरा नाइट्रोजन है ना इस नाइट्रोजन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन इसको तो उसके साथ और शेयर हो गए, पांच तो इसके पास थे, दो और मिल गए शेयरिंग से, तो अपन कहेंगे एक नेगेटिव चार्ज है ना लगाओ ना इस पर एक नेगेटिव चार्ज, ये लो लगा दिया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। आप क्या करें, इसने अपन से पूछा था सेंट्रल एटम, ये है भाई सेंट्रल एटम जिससे अपने दूसरा एटम बॉन्ड किया, इसमें तो एक भी लोन कर ले, इसको फॉर्मल चार्जेस में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम, ये फॉर्मल चार्जेस का स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, एरो था तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देना, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा फॉर्मल चार्ज तो इसका भी एक नेगेटिव चार्ज और आएगा, तो इसमें माइनस टू हो जाएगा,
तो फिर आपने N3 नेगेटिव क्यों रिप्रेजेंट किया, इधर तो काफी सारे चार्ज है। हाँ तो ठीक है ना, इसका और इसका ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना आपस में ऐसे, इसलिए एक ही नेगेटिव चार्ज चौक किया। करेक्ट। फिर आपने मुझसे पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट टू के क्वेश्चन नंबर टू का एट्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर टू का एट्थ पार्ट आपने पूछा है, नाइन्थ एट्थ एन थ्री, मेरे ख्याल से यही बता रहा हूं मैं, हो गया कि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया 8 से है वो, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे दैट इज पार्ट टू का क्वेश्चन नहीं लिखा था, अच्छा बाद में लिखा, सेवेंथ का 4, 5 एंड 8, एक मिनट, सेवेंथ का 4, 5 एंड 8। हाँ तो ठीक है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने वाई एक्सिस अज्यूम किया है, फोर को बताना है अपन को, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस आपने वाई एक्सेस अज्यूम किया, आपको फोर्थ बताना है तो बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ वाले में इंटर न्यूक्लियर एक्सेस वाई एक्सेस है तो ऐसे होगा, ये डी एक्स वाई है, इसको वाई लिखता हूं और इसको एक्स, और डी एक्स वाई ऐसे होगा, इधर भी इसको वाई लिखता हूं और इसको एक्स, है ना, इसको अपन ने एक्स लिखा, उसको वाई लिखा अपन ने, और ये भी ऐसे है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, ऐसे लिखा अपने, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब इसको भी और इसको ऐसे ही ओवरलैप करना है एक दूसरे पे, क्योंकि मैं वाई करता हूं, तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, तो डी पाई बॉन्ड बनेगा ना, डी पाई, डी पाई, तो पाई बॉन्ड बना ना उधर, आपने फिफ्थ वाला भी पूछा है तो उसमें भी पाई बॉन्ड बन रहा है मेरे लिए, तो फिफ्थ वाला पूछो, फिफ्थ वाला पूछा है आपने, तो आपने फिफ्थ वाला भी पूछा है, ठीक है, तो इसी को बना दो ना, देखो ना फिफ्थ वाले में आप क्या करोगे भाई, आप इसको जेड ले लो, ओवरलैप कर दो भाई, हमें ये पता है डी एक्स बाय बिटवीन द एक्सेस होते हैं, डी वाई जेड भी बिटवीन द एक्सेस होते हैं, y एक्सिस के अलावा दोनों को ओवरलैप करना है, तो कर दिया अपने, इसका भी यही प्लेन होगा, इसका भी यही प्लेन होगा, आप इसमें ओवरलैप कर देते। फिर अपन को क्या किया, आपने पूछा एट्थ वाला, एट्थ वाले में डी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, नहीं अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेंशन नहीं किया तो अपन तो फिर अपने आपसे कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, राइट ना, अगर कुछ भी ओवरलैपिंग अपन से बताया तो फिर इसका मतलब है कि आपको बॉन्ड बना के बताना है, आप अपने आप अज्यूम कर लो कुछ भी, फिर तो सिर्फ ओवरलैपिंग की बात कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज टू के पार्ट टू का फिफ्थ वाला क्वेश्चन, अच्छा फिफ्थ वाला भी पूछा, ठीक है भाई फिफ्थ वाले को देख लेते हैं। SO3 has X bond pairs and Y lone pairs. Calculate X plus Y. हाँ तो ठीक है, ये लो bonded pair, मतलब जो bonded atom होते हैं, जैसे इसमें दो bond pair हैं, तीन lone pair, ये bonded pairs हो गए और एक lone pairs हो गए, तो SO3 को बना देते हैं, ये लो भाई structure तो अपन को पता है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऐसे छह इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके, इसके भी एक दो तीन चार, और ये लोन पेयर्स है, हर एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है और सल्फर पे एक भी नहीं है, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, छह बॉन्ड पेयर, छह लोन पेयर। फिफ्थ वाले क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से पार्ट टू वन एक्सरसाइज टू के पार्ट वन, एक्सरसाइज टू के पार्ट वन में भी अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है, देखते हैं अपन क्या है वो, सिक्स वाला अभी तो बताया, NH3 हाइड्राजाइड, इसमें ना जो नाइट्रोजन वाला अभी बताया था स्ट्रक्चर, जो आपने ऐसे तरी पूछा था ना N3 नेगेटिव, इसी में आप जो ऐसे लिख रहे थे ना स्ट्रक्चर, माइनस वन N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम, इसमें हाइड्रोजन लगा दो, ये लो भाई हो गया स्ट्रक्चर, हाइड्रोजोइक एसिड ना, तो सिक्स्थ वाले में अब इसी को बना दिया आपने, रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर, ये उसका मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर है, द न्यूट्रल स्ट्रक्चर,
तो अगर किसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछेगा ना, सबसे पहले चेक करूंगा ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वही सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। पार्ट थ्री का क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलो ठीक है, थ्री में फिर पूछ रहे हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, ये तो अभी बताया ना मैंने, अच्छा ये तो बता दिया। तो फोर्थ वाला, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बेनेटाइन, तो कार्बेनेटाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ ना, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, लिखो अभी तो बताया था मैंने कैसे लिखते हैं, इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो, 1 का डीलोकलाइजेशन दो जगह और 2 का भी डीलोकलाइजेशन दो जगह, 4 हो गए। बॉन्डेड ऑफ सल्फेटाइन बताया तो था, फिर डबल बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड्स हैं अराउंड द सेंट्रल एटम 6, कितने जगह डीलोकलाइजेशन 4, हो गए। नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, अब एक मिनट में साफ कर लो, देख इसको फिर शुरू करते हैं, ठीक है आप लोग जाओ। अब क्या है, सल्फेटाइन का बॉन्ड ऑर्डर बताया मैंने, पार्ट थ्री का 1 का 1d, 1d मतलब पार्ट थ्री में 1d भी है, चलो देख लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव आयन, ऑल SO बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंसियस बिकॉज सभी का नेगेटिव चार्ज एक ही उस पर प्रेजेंट है ना, तो 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, यस। SO इसमें नहीं होंगे सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल, व्हाइट SO, क्योंकि इधर तो डीलोकलाइजेशन होगा इधर नहीं होगा, इसमें अगर कहोगे सारे SO बॉन्ड लेंथ इक्वल है, गलत, डीलोकलाइजेशन तो सिर्फ इधर होगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड इधर कन्वर्जन होगा, इधर थोड़ी होगा, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने ये कैलकुलेट किया था, ऐसे लिखा था ना अपन ने, y इक्वल टू z, नॉट इक्वल टू z, नॉट इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू z, पार्ट थ्री का क्वेश्चन नंबर 2, इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बताना है आपको, तो इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर नहीं बताना है, तो इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बताना है, तो पहले ये देख लो कि किसमें आपने ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया किसी एटम का, वो इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, उसको क्या बोल देंगे, इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर बता देंगे। तो अपन कहेंगे भाई इनकरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर, मुझे लगता है आप पहले ही वाला गलत बना रहे हो, क्यों, और नेगेटिव चार्ज है सील पे बना रखा है अपन, जबकि Na पॉजिटिव होगा, और इसको ऐसे बनाना था अपन को 1 2 3 4 5 6, और सीएल के लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसके साथ तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया अपने पास, तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7, तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना वो ऑक्सीजन पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की तरफ बना रखा है, फिर उसके बाद बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकरेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, अमोनियम सल्फेट बना रखा है, अमोनियम सल्फाइड बनाया आपने, तो हाँ तो ठीक है ना, अमोनियम सल्फाइड तो ऐसे होता है, दिस इज अमोनियम सल्फेट, कोई बात नहीं, किसी का भी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं किया आपने, है ना, और मतलब जो लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी मुझे ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट सेम कंप्लीट होता दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाइट्रोजन के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आपने बना रखे हैं, एक बार देख लो बस, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, मुझे लगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता तो मैं गलत बोलने वाला था, क्योंकि नाइट्रोजन के 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 5 से ज्यादा थोड़ी दिख सकते हैं उसके अलावा, ये लो भाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं ना, तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर ही नहीं सकता, वो भी करेक्ट है,
ए में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए जो नहीं दिखाया उन्होंने। पार्ट थ्री का क्वेश्चन टू का सी ऑप्शन, टू का सी। हाँ बोलो। NaOCl मॉलिक्यूल आपने वो बनाया ना फर्स्ट वाला, हाँ। उसमें Cl में नेगेटिव देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया तो स्टेबिलिटी में फर्क आएगा? Cl में नेगेटिव चार्ज देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो फर्क आएगा क्या स्टेबिलिटी में? Cl पे नेगेटिव चार्ज दे दे मतलब ऐसे, और फिर अपन, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कि अगर ऐसे बनाएंगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसे 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 कर देते हैं और Cl को एक दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ दे देता हूँ, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, फिर बाद में इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूँ, ऐसे ना सर? ठीक है, जब अपन सिंगल बॉन्ड किसी के साथ अपन तब बनाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो भी कंप्लीट है। और मेरे ख्याल से इन दोनों में अगर अपन चेक करेंगे ना तो ज्यादा ट्रस्टेबल कौन होता है, ऑक्सीजन या हैलोजन? ऑक्सीजन, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वरना गलत है। और फिर अपन क्या करेंगे, देखो इधर आप क्या करोगे, एक बॉन्ड बनाओगे क्योंकि ये तो आपने अपनी तरफ से क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब देखो मेरे पास Cl है, अब ऑक्सीजन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओ, इस पे माइनस वन लिखो, इस पे प्लस वन लिखो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में टेल की तरफ प्लस वन ना, और जो माइनस वन होगा वो तो जीरो अपने आप ही हो जाएगा, वो तो गलत है, बना ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। अब अपन क्या करें, और क्या पूछा था आपने? क्वेश्चन नंबर टू हो गया, फोर हो गया, और कुछ बताना है? पार्ट थ्री का थ्री फोर हो गया, थ्री फोर नहीं, थ्री और फोर नहीं हुआ। लुईस ऑक्टेट रूल, एक्सेप्शंस फॉर लुईस ऑक्टेट रूल, हाँ तो बताओ ना, जिसमें एक्सेप्शन में अपन वो बताएंगे ऑक्टेट रूल जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट भी ना हो और इनकम्प्लीट भी मतलब एक्सपेंशन हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट, उस टाइप से बताओ तो एक्सेप्शन होगा कि भाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो NO3 नेगेटिव एंड N2O, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द राइट ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल। तो इसमें एक्सेप्शंस NO3 नेगेटिव, इसमें तो कोई एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, एक दो तीन चार पांच, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और सेकंड वाले में BeH2 भाई ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, बेरिलियम का दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार ही बचे इसके पास, और इसमें इसमें तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको तो बनाना ही मुश्किल है ऑक्सीजन के साथ, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक्सेप्शन होगा, बिल्कुल होगा, राइट। फिर अपन लिखेंगे KrF2, उसमें कोई प्रॉब्लम है? KrF2 वाइट एसओ 1 2 3 4 5 6 7 8, दो फ्लोरीन हो गए, तो भाई इसमें ऑक्टेट एक्सपैंड हो गया, एक्सेप्शन हो गया, है ना। और Cl F3 में भी एक्सपैंड हो रहा है ऑक्टेट, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक्सेप्शन That is 1 2 3 4, और F3 मतलब ये भी एक्सपैंड हो गया, इसमें भी अपने पास F बन गए भाई, ये भी दो, ये तो दोनों हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ना, तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, then it will be exception। तो हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स में लिख देंगे अपन, पहले वाला दूसरा वाला, और ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है NO3 नेगेटिव, और इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, दैट इज ऑक्टेट रूल। तो एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, तो अपन सी वाले को बता सकते हैं भाई उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, तो अपन कहेंगे ये दोनों क्यों नहीं, तो इन दोनों में तो इसका तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो ऑड एटम आ रहा है, ऑड एटम ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और ऑड इलेक्ट्रॉन तो बचने नहीं चाहिए वरना वो तो फॉलो करेगा ही नहीं कभी ऑक्टेट रूल, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट का मतलब है कि भाई आप ऑक्टेट फॉलो होना चाहिए, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें बन ही नहीं रहा ऑक्टेट, इसमें भी नहीं बन पाएगा क्योंकि एक एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हम कर नहीं सकते, इसमें दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है,
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, तो इसको माइनस वन कर देंगे, इसको प्लस वन कर देंगे, हो गया ऑक्टेट रूल। लेकिन बट उसमें फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे, कोई बात नहीं। विच आर द एक्सेप्शंस ऑफ तो एक्सेप्शंस एक तो ये हो जाएगा और ये वाले हो जाएंगे, सो बी एंड सी शुड बी द आंसर। फिर फोर्थ वाला है द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, सबके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो और बता दो। कार्बनेट आयन में 4/3, नाइट्रेट आयन में NO3 नेगेटिव दैट विल बी 4/3, NO2 में अब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, और NO में तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है NO में, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3। इसमें NO2 विल बी लाइक दिस, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और दो बॉन्ड ऐसे हो गए, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2। क्या पूछा है उनसे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इन दोनों में सेम है, लिख दो, बाकी तो अलग ही आ रहा है। फिर अपन से पूछा है पार्ट फोर का, रुको भाई पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर पार्ट थ्री बताया मैंने और सेकंड का सी ऑप्शन इट इज गिवन दैट, इसमें स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं अपन, ये अमोनियम सल्फेट सी स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले अपन ने लिखा नहीं उसको, सी स्ट्रक्चर भी देखना है, बट अमोनियम सल्फेट एक बार अपन अमोनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। अपन को गिवन है द लुईस ऑक्टेट इज, लुईस डायग्राम इज इनकरेक्ट, हाँ ठीक है ना, तो अपने पास ऐसे गिवन है ना, एन हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, प्रोटॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देंगे, अगर प्रोटॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दोगे इलेक्ट्रॉन तो मैं इसको हटा के इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका उसको देता हूं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ये अपने पास ऐसे बना दिया चलेगा, राइट। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है, लेकिन अपने ट्वाइस लिख के इसको प्लस लिख लेते हैं कि अमोनियम आयन ट्वाइस ले लिया और सल्फर को अपन ने कितना बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ये -2। अब क्या बोला अपन से, विच ऑफ द फॉलोइंग लुईस डायग्राम इज इनकरेक्ट, अगर अपन चेक करेंगे तो नाइट्रोजन अमोनियम सल्फाइड गिवन है अपन को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है ये नहीं गिवन है इसलिए उन्होंने इनकरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेंशन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी में दिखा रहे थे सल्फर के, तो और सभी में ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रॉन दिखाए उन्होंने, नेगेटिव चार्ज दिखाया तो भी इलेक्ट्रॉन दिखाया, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज लिखने के बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, इसलिए अपन गलत बोल सकते हैं इसको कि भाई आप इलेक्ट्रॉन तो दिखाओ, दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसे, तो वो इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के हैं, तो आपने वहां सल्फाइड में, सल्फर में क्या नहीं लिखा, सल्फर के साथ ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं दिखाया, तो मैं गलत बोल सकता हूँ इसको। और ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए, हाँ तो बनाया था ना अभी मैंने कि अमोनिया ने अपने पास NH3 था, लोन पेयर था, तो ये प्रोटॉन था, तो हाँ तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के आया था ना इसको, तभी तो अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाया इससे, तो उसमें वो दो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया आपने, तो ऑक्टेट आपको दिखाना पड़ेगा लुईस ऑक्टेट थ्योरी में, इसलिए वो गलत, मैं उसको गलत बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भाई, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन, और चलो देखते हैं अपन क्या करना है अपन को, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सल्फेटाइन, हाँ तो ठीक है ना, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सल्फेटाइन को कितने जगह डिलोकलाइज करते हो, सभी जगह कर सकते हैं अपन, तो अगर आप सभी जगह डिलोकलाइजेशन कर सकते हो तो ऑब्वियसली बात है मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना दूंगा, सिग्मा बॉन्ड तो बनाना ही होता है जब आप किसी का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का पोजिशन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, अपन ना इनको पार्शियल बॉन्ड बना, और जितने जगह डिलोकलाइजेशन हुआ ना उस जगह, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है और सभी में डिलोकलाइजेशन किया, तो आप तो ऐसे लिख दो इसको, यहां पर ना पार्शियल चार्जेस है, फुल फ्लेज नेगेटिव चार्जेस नहीं, और अगर
आप ऐसे भी लिखोगे कि जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है उसका वैल्यू कितना होगा, दो नेगेटिव चार्ज है और चार जगह डीलोकलाइजेशन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस वन बाई टू वन इंच, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है चार जगह डीलोकलाइजेशन है। ठीक है, अब ये करिए कि मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन है ना सर, उसमें ना रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस एनर्जी का एक कंसेप्ट है, तो मैं रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट आपको ऐसे बता दूंगा। तुम लोगों से ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी पे ज्यादा ध्यान मत दो तुम लोगों को, मतलब उसमें ना, लेकिन तुम लोग बार बार उसी पे आके अटक जाएगा पता, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी ना जो पार्ट है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नहीं है पार्ट। कोटा में क्या होता है कि वो लोग ना पढ़ा देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू में, वो आयुर्वेद नहीं उनका खत्म हो गया होगा राइट, लेकिन मुंबई में कभी 10 ईयर से बैक से कभी हम लोगों ने ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया नहीं। अब उन्होंने पढ़ा दिया तो बच्चों को समझ में आ जाता है फट से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। चल फिर भी मतलब अपन देखते हैं, हमें तो रेजोनेंस एनर्जी से मतलब है, देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैं लिखूंगा कि भाई रेजोनेंस एनर्जी जो होती है ना, दैट इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और मुझसे कहा गया कि देखो भाई, इफ अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, तो एक मॉलिक्यूल है जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर थ्री ऐसे है, जैसे अभी अपन ने हाइड्रोजोइक एसिड लिखा था ना, एक में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो अपन ने उसको चेंज किया था कि भाई वो तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो सबसे कम स्टेबल होगा वो, तो ये तीन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। इफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर्स इज ई वन ई टू एंड ई थ्री, वेयर इज the resonance energy of hybrid structure वो तीन structure में exist करता है, एक hybrid structure भी बनेगा जो तीनों के properties को explain करेगा। resonating structures अलग अलग structure हो सकते हैं, उनकी energy अलग अलग हो सकती है। resonance hybrid जो होता है वो real structure होता है, वो इन तीनों को explain कर सकता है, लेकिन तीनों में से कोई भी सारे properties resonance structure resonance hybrid का explain नहीं कर सकता। हम इन तीनों के कंबाइन प्रॉपर्टीज से एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। सो वेयर इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ई नॉट, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इफ ई वन इज ग्रेटर देन ई टू इफ गिवन है, given E1 greater than E2 greater than E3, ये है मेरे पास ऑप्शन बना लेता हूं, तो मेरे पास जो होगा दैट विल बी E1 माइनस E0 भी लिख सकता हूं मैं, बी ऑप्शन में E2 माइनस E1 E0 भी लिख सकता हूं मैं, सी लिख सकता हूं मैं E3 माइनस E0 भी लिख सकता हूं, और डी मैं लिख सकता हूं दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाई थ्री माइनस ई नॉट, तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी कितना होगा, तो अपन कहेंगे भाई देखो मेरे पास तीन स्ट्रक्चर है वन टू और थ्री, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाए होंगे मॉलिक्यूल के, मुझे इनका स्टेबिलिटी चेक करना है कि भाई कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए तो आपने दे रखा है इसका एनर्जी ई वन है, इसका एनर्जी ई टू है, इसका एनर्जी ई थ्री है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी।
जिस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. सर बोर्ड के राइट साइड वाला पार्ट नहीं दिख रहा था. कोई बात नहीं. सो अपन लिखेंगे, मैं उसको कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. सो रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अपन लिख सकते हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, जितना ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना होता है उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है. अब अगर आपने मुझे ये दे दिया तो मुझे ये पता है कि इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसकी. तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, ये ज्यादा स्टेबल है इससे. आपने कहा रेजोनेंस एनर्जी वो होता है, और ई नॉट मुझे केवल रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी. आपने कहा रेजोनेंस एनर्जी वो होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी ई नॉट. मेरा आंसर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस. इसके अलावा रेजोनेंस एनर्जी का कोई डेफिनेशन नहीं होता. तो अगर रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा है तो यही होगा, दैट इज व्हाट वी कैन राइट इन द रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है ना. तो अपन बता सकते हैं भाई कैसे अपन को बताना है रेजोनेंस एनर्जी. एक मिनट कॉपी कर रहे हैं. करो तो क्वेश्चन नंबर वन अपन ने लिख लिया रेजोनेंस हाइब्रिड. सल्फेट का मैंने आपको बता दिया, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. हो गया. हो गया. अब देख ये अपने पास डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है. स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. रेजोनेंस एनर्जी मतलब होता है एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल जिसकी वजह से वो स्टेबल हो गया. अगर मुझे यही इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखना होता, ठीक है ना, अगर मुझे इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिखते, the molecule exists in three resonating structures 1 2 3. If the energy of this structure is e1 e2 e3, maine yahan par change kiya, whereas the energy of the resonance energy of the hybrid structure is, to main isko energy kar deta of hybrid structure is e0. calculate the resonance energy of the molecule if mujhe ye given. तो अपन क्या कहेंगे, अब मुझे रेजोनेंस एनर्जी थोड़ी गिवन है. आप कहते हो कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. अब मुझे क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है. अब अपन कहेंगे अगर ये एनर्जी है तो आप तो बोलते हो कि भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. बिल्कुल, रेजोनेंस एनर्जी और एनर्जी में डिफरेंस है. मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी बताया, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. मैंने एनर्जी नहीं कहा. एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं. आप रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे थे. अगर आप सिर्फ एनर्जी की बात करोगे तो इट्स डिफरेंट. जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम. तो मैं कहूंगा कि भाई इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने यहां पर दे रखा है मुझे. मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे. मतलब अब आप जब इसको एनर्जी लिखोगे रेजोनेंस एनर्जी की जगह, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे लिए कौन सा होगा, अब E3. क्योंकि अभी आपने रेजोनेंस एनर्जी नहीं लिखा, एनर्जी लिखा. हो सकता है मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी से बनाया बताया, उन्होंने एनर्जी से अपन से क्वेश्चन पूछ लिया, फंस गए अपन. लेकिन वो डिफरेंस है भाई. मैंने आपको लिखा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी, नॉट एनर्जी. एनर्जी होगा तो जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम. तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी तो यही रहेगा E0 है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है,
डेफिनेशन तो ये रहेगा ना, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, मोस्ट स्टेबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पर एनर्जी लिखोगे तो मेरे लिए मोस्ट स्टेबल, और ये ऑर्डर गिवन है तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर E3 है मेरे लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, राइट ठीक है, अपन बोल सकते हैं बिल्कुल, पर अपने पास ये आंसर हो जाएगा। क्यों? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। मैंने एनर्जी वर्ड यूज किया, मैंने रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया, मैंने एनर्जी डिफरेंस यूज किया। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या देते हो, हमें तो ये चाहिए कि जो रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। अगर आप उसके एनर्जी के फॉर्म में बोल रहे हो तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर आप रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हो तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। एनर्जी डिफरेंस लेके बता दो, समझ में आया? जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यस, तो अपन रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता, तो मैं 3 और 4 बता देता हूं। अपन को एक मॉलिक्यूल गिवन है, कॉलम 1 गिवन है, कॉलम 2 गिवन है, कॉलम 3 गिवन है। मेरे ख्याल से अपन को कॉलम 2 में रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ठीक है भाई, इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है नंबर ऑफ रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसमें कोई पार्ट बताना है मुझे, या मतलब 3 और 4 में कोई एक ही पार्ट बताना है वो देख लेता हूं। हाँ, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी हो सकती है ना, बिल्कुल अलग अलग होती है, तभी तो मैंने E1 E2 E3 लिया था, राइट। 3 और 4 में मतलब मुझे क्या बताना है ये देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया तो मैंने, तो क्या पूछा था किसी ने, और भी पूछा था कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं पूछा अपन से। बाउंड्री ऑफ सल्फेट एंड 1.5 लिखा था अभी तो बताया था, बाउंड्री ऑफ सल्फेट है। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 का, पार्ट 4 ही तो बता रहा हूँ शायद, हाँ 3 और 4 लिखो ना। सल्फेट है, अभी बताया था ना, 6 रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाया ना, और कैसे बताना है अपन को? तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम जहां डीलोकलाइजेशन हो रहा है, 6, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन 4, हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया फर्स्ट, सेकंड और एस, बता दो भाई किस में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट हाइपरवैलेंट आयन के लिए, तो इसमें हाइपरवैलेंट 2 आयन है मेरे पास, हाइपरवैलेंट एक तो सल्फेट है दूसरा फॉस्फेट है। हाइपरवैलेंट का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल एटम के ऑक्टेट में 8 से ज्यादा एटम, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें थे ना 2, 4, 6, 8, 10, तो फॉस्फेट आयन है अपने पास, और अपने पास गिवन है फॉस्फेट आयन के साथ साथ दैट इज इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 5/4, तो 5/4 इसमें 5/4 गिवन है बिल्कुल, बिल्कुल बना दो 1.25, उसके साथ ऑप्शन बना दो फॉस्फेट का 4, 1 और Q, हो गया। सल्फेट के लिए तो 1 मतलब सल्फेट के लिए 6 और कितना बताया ना अपने 1.5 ऐसा आएगा, सारे ही तो कैलकुलेट किए बने, और कौन सा है उसमें बताओ। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का रेजोनेंस एनर्जी बिल्कुल बताया मैंने, बिल्कुल होता है, तभी तो अपन बताएंगे अलग अलग होगा,
ठीक है। और फाइव वाले क्वेश्चन में क्या कहने अपन को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज मैक्सिमम, मेरे ख्याल से सल्फेट ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लस सिक्स होगा और पाई बॉन्ड इसमें टू हो गए, सल्फेट है ना, ये लो भाई हो जाए, इससे ज्यादा किसी के लिए भी नहीं, पक्का ना। एक्सरसाइज थ्री के पार्ट टू का 256 बता देता हूं, पार्ट टू का टू, HCl नेगेटिव में बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, गिव द रीजन फॉर दैट, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक इसमें अपन को गिवन है, वो कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट बॉन्ड मतलब ये इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों होते हैं। द एनायन, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटाइन, फॉर्मेटाइन में CO बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी इक्वल बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, नो नो दैट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, वो थोड़ी होगा, द CO बॉन्ड इज वीकर देन CO, नो नो why the bond length will be weaker there if equal bond length, the anion HCO negative has two resonating structures, that's correct, the anion is obtained by removal of a proton from the acid molecule, to uska reason equal bond length ke liye thodi hota hai, equal bond length to isliye kyunki uske resonating structures banenge aur wo bhi same resonating structure aur negative charge is on oxygen atom, to iske do resonating structure bane, apne bata diye। फिर अपन से पूछा है क्वेश्चन नंबर फाइव भी पूछा अपन से, वो पार्ट वन का फाइव भी पूछा, मैं वो भी बता देता हूँ ताकि पार्ट वन खत्म हो जाए अपना, क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा है पार्ट वन से, ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच सेंट्रल एटम, अच्छा सबका सम बता दो, ठीक है तो सबका सम बता देते हैं, ये लो भाई क्या गिवन है अपन को, टेलोरियम Br6 टू नेगेटिव, टेलोरियम मतलब ऑक्सीजन वाले ग्रुप, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दो नेगेटिव चार्ज के लिए ऐड कर दिया, बी आर कितने छह, एक दो तीन चार पांच छह, एक लोन पेयर है तो एक इसमें हो गया, फिर बी आर एफ टू पॉजिटिव, तो बी आर हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात पॉजिटिव चार्ज के लिए, इस पर दो लोन पेयर हो गया, फिर क्या एस एन F3, SnF3, ठीक है भाई, तो सल्फर एक दो तीन चार पांच छ, राइट, नाइट्रोजन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और सल्फर तो इसमें आपको बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई बनाना कैसे है इसको, तो नाइट्रोजन पहले सल्फर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये नाइट्रोजन के बॉन्ड बना लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन के साथ अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम, तो सल्फर अगर अपने पास सेंट्रल एटम होगा तो पहले अपन ऐसे बना देते हैं, सल्फर एक दो तीन चार पांच छह, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सल्फर का, लेकिन इतने सारे बॉन्ड बना नहीं पाएगा सल्फर एक साथ, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, अब इसमें सल्फर पे प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, एक भी लोन पे नहीं आ रहा है इसमें तो, और F6 ना एक दो तीन चार पांच छ और सात और आठ, तो क्या करूं एक नेगेटिव चार्ज है, हाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो चार्ज तो आ ही जाएगा, ऐड कर देता हूं, ये बता के कि एक पे नेगेटिव चार्ज लिखूंगा और एक पे प्लस और एक पे माइनस लिखूंगा, तीन हो गए, ले भाई तीन हजार हो गए, ये हो गया अपना, राइट। अब और कोई स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आएगा अपन को क्या, सल्फर पे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सल्फर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा क्या नाइट्रोजन के साथ, तो अपन ऐसे कर लेंगे कि डबल बॉन्ड तो बना लेता है और इसके साथ एक एफ दो हो गए और नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड तो नहीं बनेगा, मैं इस पे स्ट्रक्चर अगर बनाऊंगा तो एक दो तीन चार और एक पांच, एक दो तीन चार पांच छह और एक फ्लोरीन इससे लगा था, अगर मैं दो फ्लोरीन चार फ्लोरीन थोड़ी गिवन है तो तीन ही फ्लोरीन के बने, तो एक लोन पेयर दो लोन पेयर
मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर ना सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल फ्लोरीन, लीस्ट ट्रस्टेबल ये F F F ट्रिपल बॉन्ड है. क्या पूछा इसने? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इज, हाँ तो इसमें तो जीरो बताऊंगा भाई. ये ले भाई, ये आ गया अपने पास, क्योंकि सेंट्रल एटम पे ही काउंट करने, बाकी अदर एटम पे काउंट नहीं करने. Sometimes when there is a negative charge on a molecule, you add electron to central atom and sometimes you just make lesser bonds to give negative charge to the surrounding atom. हाँ, अभी भी यही किया मैंने. आप कहते हो, आप कह रहे हो कि जैसे BF3 लिखा ना आपने negative, आपने BF2 या BRF2 ऐसे negative लिखा, तो आप कह रहे हो कि कभी कभी आप क्या करते हो कि एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे कर देते हो और एक negative charge इसको दे देते हो. तो हर बार जब मैं नेगेटिव चार्ज देता हूं ना, तो मैं तब नेगेटिव चार्ज तो हमेशा दे दूंगा अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सपैंड नहीं हो रहा. तो इसका ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा था, तो आपने फिर भी इसमें नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया जबकि वो एक्सपैंड हो रहा था. हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप ऐसे लिख रहे हो उसका स्ट्रक्चर. ज़ेनॉन था ना, एक एक दो तीन चार पांच छह सात, इस पे एक नेगेटिव चार्ज था तो मैंने दो फ्लोरीन ले लिया. अब मुझे ये पता था कि तीन लोन पेयर है, तो एक और फ्लोरीन कहां है? तो जो फ्लोरीन है ना, वो इससे बॉन्ड नहीं बना सकता. अगर इससे मैं बॉन्ड बनाऊंगा ना फ्लोरीन का, ऐसे ये बॉन्ड, तो इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब गलत. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहूंगा भाई ये F नेगेटिव है, ये लोन पेयर है. इसके जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना, क्योंकि ज़ेनॉन होगा, तो ज़ेनॉन होगा तो ये NH2P6 हो जाएगा, इसमें डी पूरा खाली पड़ा होगा. जो डी खाली पड़ा रहेगा ना, तो ये बॉन्डिंग करने के बाद वो डी में ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. तो ज़ेनॉन के पास क्या बनाया इसने? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया एक इलेक्ट्रॉन पेयर से. अब मैं ये तो बोल सकता हूं ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब फॉर्मल चार्ज में लिखूंगा तो इधर प्लस लिखूंगा तो इसको हटा दूंगा, और उसको क्या करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा. तो मैंने नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन लिखा और इसको ऐसे बता दूंगा. एक ही बात है अपने लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ कि यार ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, तो अंडरस्टूड है वो कि अपन को ये करना है, कि जो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते. दिस इज नॉट अ बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज नॉट अ बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग के बारे में उसको बात भी नहीं करना. क्वेश्चन नंबर अपन से पूछा है एक्सरसाइज थ्री के पार्ट वन का फाइव तो हो गया, एक्सरसाइज थ्री के पार्ट टू का फोर फाइव भी है, फाइव सिक्स भी है, फोर फाइव भी है. फोर बताता हूं पहले. कोवेलेंट क्रिस्टल, हाँ तो ठीक है ना, कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट, हाँ तो ठीक है ना. इसमें कहूंगा फॉस्फोरस क्रिस्टल नहीं होता, फ्लफी कंपाउंड होता है. सल्फर एसिड जैसे होता है, नॉन मेटल है. आयोडीन भी नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटल है. तो अगर क्रिस्टल होना चाहिए तो सिलिकॉन तो होना ही होना चाहिए, सॉलिड भी और क्रिस्टलाइन भी, तो मेटेलिक करेक्टर होना चाहिए ना उसमें. तो सिलिकॉन में सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर है, दैट विल बी माय आंसर. फिर फाइव वाला पूछा है, फाइव वाले में गिवन है अपन को करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. हाँ तो सीजियम है ना आई थ्री, ट्रस्टेबल एलिमेंट के हिसाब, ट्रस्टेबल एटम के हिसाब से ये प्लस वन है या माइनस वन है स्ट्रक्चर. तो अब इसमें क्या पूछा मुझसे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इज, इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, नो इट इज आयनिक मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स सी एच थ्री प्लस एंड दिस, हाँ तो टू वाला आंसर करेक्ट है. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ, नहीं सिक्स वाला नहीं पूछा ना, सिक्स वाला नहीं पूछा, देख लेता हूँ. सिक्स भी पूछा है, बता देते हैं अपन. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आई नेगेटिव इज, हाँ तो टोटल नंबर पूछा है तो एक आई सेंट्रल एटम होगा और एक नेगेटिव चार्ज के लिए ऐड करता हूँ. एक आई ये हो गया, एक आई ये हो गया, और इसमें ऐसे हो जाएगा, इसमें भी ऐसे हो जाएगा. उसने टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पूछे पद से, हर एक आई पे नेगेटिव चार्ज ना तीन लोन पेयर्स है,
तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछा है तुझसे, तो तीन इसके पास, तीन इसके पास, तीन इसके पास, 3, 4, 12 अपना आंसर आ जाएगा। सेंट्रल एटम पे थोड़ी पूछो, उसमें का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लोन पेयर प्रेजेंट इन I3 नेगेटिव, तब तो टोटल बताएं, राइट? ठीक है भाई, अब क्या करना है अपन को, स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 तो बनाओ ना, स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 ये, और क्रोमियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बताया तो था, याद कर लो इसको, ये स्ट्रक्चर होता है ना, क्रोमियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। चलो भाई, केमिकल बॉन्डिंग टू, केमिकल बॉन्डिंग टू का एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, केमिकल बॉन्डिंग टू एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, बॉन्डिंग टू में। हाँ बोलो सर, केमिकल बॉन्डिंग वन के एक्सरसाइज थ्री में ऑनलाइन प्रॉब्लम्स में एक डाउट है। बोलो क्या डाउट है, बोल दो आप उसको, मैं उसको। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? इन हाइड्रोजन अजाइड द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ बॉन्ड्स 1 and 2। हाइड्रोजन अजाइड एक्सरसाइज थ्री का ऑनलाइन प्रॉब्लम्स वाला क्वेश्चन। अब रुक जाओ, तुम लोग ना इतनी देर तक मैं चिल्लाता रहता हूँ, ये बताओ ये बताओ, तब तो सोते रहते हो। अरे एक पेज पे लिखो ना तुम लोग की ये डाउट्स है मेरे, सेपरेट पेज पे लिख के लाओ ना, ऐसे मत करो कि आपको वापस आपसे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है मैं एक्सरसाइज टू निकाल चुका था, मुझे वापस टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही है ना, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करवाते हो, मुझे लगता है टाइम वेस्ट ना हो तो एक प्रॉपरली जब आपको डाउट पूछना है तो आप लिख के लाओ कि भाई ये डाउट है। ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ है, मेरे पास ऑनलाइन वाला नहीं है शीट, एक्सरसाइज थ्री में ही है, नहीं है ना मेरे शीट में, मेरे शीट दूसरा है, उसमें वो ऐड नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 तक है मेरे पास, मेरे ख्याल से 2018 वो 2019 में आया होगा क्वेश्चन, तो वो नहीं है मेरे इसमें, इसलिए मैंने कहा था कि उसको रुको आप, मतलब उसको भेज देना फिर मुझे, मैं बता दूंगा। वैसे इसको बताया था मैंने एजाइडाइन ना, एजाइड मतलब ये होता है, और एजाइडाइन का स्ट्रक्चर अभी तो बताया मैंने इसे, ये बताया तो थोड़ी देर पहले, तो इसको डिलोकलाइज करके बताया ना मैंने। ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, इसका पूछा तो था अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा तो यहां बाउंड्री विल बी मोर देन ग्रेटर देन इसके बीच में ना, अगर ये ए लिखूंगा और इसको बी लिखता हूं तो दिस विल बी ए जो होगा विट विल बी बिटवीन 1 and 2, सो वो 1.1 से ज्यादा होगा 2 से छोटा होगा, ए जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, और बी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। इधर लिखते हैं, अब मुझे जल्दी मतलब ऐसा लग रहा ना, ए विल बी ग्रेटर देन 1 बट इट विल बी लेस देन 2, बिल्कुल सही, इट विल ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 1, क्योंकि दो बॉन्ड तो है ना, थोड़ा पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो इधर बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3, इधर बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा आपने 1, लेकिन जब इसमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, तो इट विल बी लाइक दिस इन द एजाइडाइन। आप बताओ, इसलिए मैंने कहा आप पढ़ दो उसको तब भी चलेगा। अब बताओ भाई, बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग टू में एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, कोई डाउट नहीं, पार्ट टू में कोई डाउट नहीं, अच्छा है C5 का 3,
C5 के 3 में अपन को क्यों बने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाँ तो बताया ना मैंने, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसको बताना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाँ तो अपन ने ऐसे लिखा था ना, अमोनिया हाइब्रिडाइज्ड होता है, PH3 अनहाइब्रिडाइज्ड, रीजन क्योंकि इधर 90 डिग्री पे जो बताया था ना मैंने एक कि भाई इसमें तो बॉन्डिंग के लिए 93 डिग्री के आसपास होगा, तो पी ऑर्बिटल पहले से ही 90 पे थे, ये अनहाइब्रिड। सेकंड पीरियड के बाद जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है ना उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ड्रैगोस रूल, और हमें क्या फर्क पड़ता है कौन सा ड्रैगो रूल और कौन सा रूल, हमें तो मतलब ये है कि भाई पी ऑर्बिटल पहले भी 90 पे थे अभी भी 90 के आसपास है तो हाइब्रिडाइजेशन कहां हुआ, आप इसको sp3 हाइब्रिडाइज लिखोगे ना सबको, तो इसमें तो 107 होगा, इसमें 93, उसके बाद sh3 लिखोगे तो आप 92.5, उसके बाद आप लिखोगे दैट इज sbh3 लिखोगे आप तो दैट विल बी 92, तो फिर चेंज ही कहां हो रहा है, इस पर मैं कैसे बताऊं फिर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो अपन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन बना कर देते हैं, तो इसमें h2o है इधर h2s है, ये तो 92 ही होता है, तो सल्फर के साथ कोई भी अगर सिंगल बॉन्ड दो मॉलिक्यूल अटैच्ड है और दो लोन पेयर है तो अपन उसमें हाइब्रिडाइजेशन मना कर देंगे, ऑप्शन इज 1, मतलब ए वाला ऑप्शन है आपका, यहाँ पर आपने CH3 लिखो इधर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि H2S लिखो इधर हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दिया आपने CH3 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर अपने पास है A5 है B3 है D1 है, A5 की बात करता है, A5 में गिवन है बिल्कुल, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम इज इक्वल। अच्छा पहले वाले में आ गया, वाटर में ना जितने लोन पेयर है उतने ही बॉन्ड पेयर है, ये दो लोन पेयर है दो बॉन्ड पेयर है वाटर में, वाटर मॉलिक्यूलों में, उसने ये पूछा कि भाई सेंट्रल एटम पे जितने बॉन्ड पेयर है उतने लोन पेयर है, तो H2O में आ रहा है A5, B3, B3 में क्यों अपन को pent-3-1-1 मेरे ख्याल से इसमें स्ट्रक्चर नहीं पता, वरना अपन को पता चल जाता क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा स्ट्रक्चर अपन को नहीं पता, तो पेंटेन में मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, CH3 पांच कार्बन एटम लिख लेता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे आइन लिखा लिख दिया और 3 पे मुझे इन लिखना है तो 1, 2, 3 पे इन लिखा, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो अगर ये इसका स्ट्रक्चर होगा तो बताओ अगर ने सीखा तो है, अगर ऐसे गिवन है तो किसका हाइब्रिडाइजेशन चाहिए आपको, ये 1 कार्बन है ये 2 कार्बन है ये 3 है ये 4 है ये 5 है, लिख लो स्ट्रक्चर बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर अपन को क्या करना है इसमें दैट इज वी कैन राइट दैट, इसमें फिर आपने पूछा है B3 के बाद D1, बता देता हूं D1 में क्या है, एक मिनट, D1 में मल्टी सेंट्रल एटम ना, तो SOS बॉन्ड इन SO3 इज, हाँ तो ठीक है ट्राइमर ऑफ SO3 पूछा उसने, तो अपन कहेंगे मेरे भाई SO3 का ट्राइमर, मेरे ख्याल से क्लास में बताया मैंने इसको ट्राइमर ऑफ SO3 स्ट्रक्चर ही बना देता है ऐसे द ट्राइमर ऑफ SO3, सभी सल्फर से 6 बॉन्ड बनाए मैंने, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीन बॉन्ड, क्या पूछा है SOS बॉन्ड 1, 2, 3 हो गए, आंसर इज 3, वैसे अपन को आगे बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ने हैं जो स्ट्रक्चर अपन को शायद याद रखने पड़े, सी कौन सा दिस इज CB2 मतलब आई डिडंट गेट इट, अन्वेषक क्या लिखा तुमने ये CB2 मतलब सर कुछ नहीं होगा किसी, हाँ मैं समझ गया केमिकल बॉन्डिंग टू पूछी होगी, ठीक है ओके, केमिकल बॉन्डिंग टू तो है ही, एक्साइज वन का पार्ट वन A4 और B2, अच्छा रुक जाओ, एक्साइज वन का A4 और B2 भी पूछा किसी ने, पर ने A4 एक्सप्लेन किया क्या, एक्चुअली जो पार्ट निकाल रखा है ना उसमें से कितना भी क्वेश्चन पूछो फर्क नहीं पड़ता अपन को, क्या बोल रहे हैं विच रिएक्शन इन्वॉल्व चेंज इन द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री फॉर द अंडरलाइन एलिमेंट, हाँ तो ठीक है ना, इधर BF3 है इसको F नेगेटिव दिया BF4 बना दिया है ना नेगेटिव,
तो अपन कहेंगे पहले इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, इसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हुई, उसके पास तो था ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कैसे चेंज करें, है ना। फिर अपन से लिखा अमोनिया और एच प्लस आयन, तो अमोनिया और एच प्लस आयन इसमें तो लोन पेयर था, जब अपन ने एच प्लस आयन ऐड किया तो ये अमोनियम आयन बन गया, ये पहले पैरामेटल था बाद में टेट्राहेड्रल बन गया, है ना। तो अपन कहेंगे उसमें थोड़ा ज्योमेट्री तो अपन चेंज कर ही सकते हैं, राइट। लेकिन अपन कहेंगे ज्योमेट्री चेंज में ना शेप चेंज हो गया होगा, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब तो अपन हाइब्रिडाइजेशन से बताते हैं, भाई ये भी हाइब्रिड sp3 है, वो भी sp3 है, ये sp2 है, ये sp3, तो ये ट्राइगनल प्लेनर था, वो ट्राइगनल वो टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन को कितना अच्छे से मतलब कैसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री चेंज हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर था ही नहीं, मतलब इसको कैसे बताऊं आंसर, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर था लेकिन ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई क्योंकि दोनों sp3, उसको भी आंसर कैसे बताऊं। थर्ड वाला चेक करता हूं, फिर मेरे पास SO3 है, इसको ना SO2 है, इसको ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और इसको SO3 बनाया, ठीक है, लेकिन ये भी sp2 था और ये भी sp2 है तो इसकी भी ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई, ये एंगुलर था नो डाउट और वो ट्राइगुलर प्लेनर है, लेकिन प्रॉब्लम ये ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से बताते हो, अगर ये sp2 है तो इस पे लोन पेयर तो था, लेकिन जैसे इसमें ना इसमें लोन पेयर तो था लेकिन इसकी ज्योमेट्री सेम है क्योंकि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होंगे दोनों, इसमें भी वही मेरे पास आया कि दोनों sp2 है तो दोनों ही ट्राइंगुलर प्लेनर बोलूंगा मैं, लेकिन फिर शेप पूछते तो मैं कहता इसमें शेप चेंज हुआ, इसमें शेप चेंज हुआ, इसमें भी शेप चेंज हुआ, लेकिन आप तो ज्योमेट्री पूछ रहे हो। तो अपन फिर तो लास्ट वाले को ही टिक कर देता हूं क्योंकि लास्ट वाला हो जाना चाहिए फिर, क्योंकि अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा। इसमें क्या किया आपने H+ है और इसमें क्या किया आपने H3O पॉजिटिव लिखा आपने, तो H3O पॉजिटिव लिखोगे अगर आप तो इसमें ये sp3 है और ये भी sp3 है, तो अपन कहेंगे इसमें अब ज्योमेट्री कैसे चेंज हो रहा है, तो अपन कहेंगे ये भी टेट्राहेड्रल था पहले, ये अभी भी टेट्राहेड्रल है, इसमें भी चेंज नहीं हो रहा, अब तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे अब ऑड बन आउट की बात करेंगे कि आपने किया क्या है क्वेश्चन में, आप चाहते क्या हो क्वेश्चन में ज्योमेट्री में। तो अपन कहेंगे देखो लोन पेयर की ज्योमेट्री से तो किसी को कोई चेंज नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हो, आप ये पूछ रहे हो इसमें भी टेट्राहेड्रल था, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर, ये भी ट्रायंगुलर प्लेनर, ये भी sp3, ये भी sp3, इसमें आ रहा है चेंज सबसे ज्यादा, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज हो गया, मतलब मेरे पास ट्रायंगुलर प्लेनर और ये sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो आपका जो क्वेश्चन लिखने का मीनिंग था ना वो क्या था कि किस या तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जाए या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले तो ज्योमेट्री चेंज हो, उसने क्या सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री चेंज हो जाए, तो इसके पास तो पहले था ही नहीं लोन पेयर, लेकिन बाकी सब में तो बिल्कुल सेम गिवन है कि भाई sp3 sp3 sp2 sp2 sp3 sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, मतलब आपका मतलब ये है कि भाई सेंट्रल एटम को लोन पेयर उस पे हो या ना हो, अगर वो लोन पेयर दे और फिर ज्योमेट्री चेंज हो जाए मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए तो भी आंसर बता सकते हो, या उस पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो और इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो भी आप आंसर बता सकते हो। तो मैंने क्या किया, लैंग्वेज के हिसाब से तो क्वेश्चन मुझे फिट नहीं बैठ रहा था, आंसर तुरंत नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने ऑड बना के इनपुट कर दिया, कहना क्या चाहते हो, या तो उसको लोन पेयर मिले सेंट्रल एटम पे, या तो मिले लोन पेयर तो ज्योमेट्री चेंज हो, या फिर वो दे तो ज्योमेट्री चेंज हो। अब अपन को पता था वैसे तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होता लोन पेयर देने से, लेकिन लेने से लोन पेयर लेने से ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर देने से, तो अपन कहेंगे पहले भी मैं इसको सिग्मा बॉन्ड काउंट करके उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर रहा था, एक प्रोटॉन देने के बाद भी चार बॉन्ड आएंगे sp3 आएगा, लेकिन पहले एम्प्टी ऑर्बिटल को सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं कर रहा था, इसमें तो काउंट करना पड़ेगा एम्प्टी ऑर्बिटल, विल गेट द आंसर। अब आप A4 को भी मैंने शायद बता दिया आपको, A4 A4 पूछा आपने, मैंने बता दिया, फिर क्या था A4 के बाद C5 पूछा, किसी ने C5 देख लेते हैं क्या C5 is, अभी तो बताया C5 वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ना, थर्ड पीरियड अगर सेंट्रल एटम जो है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है और सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो उसमें
अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल नाम लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है थोड़ा ज्यादा याद रहता है. अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल वो हाइब्रिडाइजेशन अपन कंसिडर नहीं करेंगे. अब बताओ पार्ट टू और थ्री. चलो अब यही रुक जाते हैं, यहाँ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि मेरी फिर क्लास है. लो भाई रुकते हैं और एक ये दो केमिकल बॉन्डिंग टू एक्सरसाइज वन का क्या पढ़ना है अपन को. एक्सरसाइज वन का एक्सरसाइज टू का. एक्सरसाइज वन तो अपना ऑलमोस्ट हो गया, अब आप एक्सरसाइज वन से मैच द फॉलोइंग और एक्सरसाइज टू से शुरू करेंगे अपन डिस्कशन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे.